फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी बच्चों का ये डिमांड है, ये मांग कर रहे हैं कि वो एग्जामिनेशन जो है एनटीए जो इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि अभी बहुत कम समय है, प्रिपरेशन करने का वक्त बहुत कम मिला है। काउंसलिंग जो है 2021 का काफी लेट तक होता रहा है, जिसके कारण बच्चे प्रिपरेशन का टाइम पूरी तरह से नहीं मिल पाए। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के 1% भी चांस है या नहीं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने भर दिया है उनके एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सी गलतियाँ हुई है, तो क्या करेक्शन विंडोज खुलेगा, अगर खुलता है तो किन किन चीज़ों की सुधार हम कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब योर चैनल, क्योंकि यहां सही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं बात कर रहा हूं कि नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का डेट आज 20 तारीख है। इस 20 दिनों में जैसे नीट ने 2022 में दो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट को दो बार एक्सटेंड कर लिया। एक तो पहले था 6 तारीख, 6 के बाद 15 आया, 15 मई के बाद अब हो गया 20 तारीख, जो कि आज लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं पोस्टपोन को लेकर, इसी आधार पर कि बार बार अगर डेट चेंज हो रहा है तो ये उम्मीद बना रहे हैं कि वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा नीट 2022। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रीवियस ईयर्स का अगर आप रिकॉर्ड को देखो तो नीट एनटीए के द्वारा से जो डेट दिया गया था उसी डेट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी एक्सेप्ट किया गया और एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया गया। तो एनटीए के द्वारा से ये अभी तक जो जिस प्रकार से आपने हैशटैग लगाकर चालू किया था पूरी तरह से ट्विटर पे, वहां देखने के बाद हम लोगों को भी एक विचार आया था कि शायद एनटीए के द्वारा कुछ एक दो दिन में अपडेट आ जाएगी, लेकिन एनटीए के द्वारा से कोई अपडेट नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। सो गाइज, आप 17 जुलाई समझ के ही प्रिपरेशन करें। अगर पोस्टपोन की बात करें, अगर हम परसेंटेज की कि कितना परसेंटेज है कि हो जाएगा, तो इसकी जो मेरी तरफ से जो साइट्स है, जरूर मेरी बातों कुछ का लोगों को चुभेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 0.5% ऐसा है जहां पर हो सकता है एनटीए इस एग्जाम को पोस्टपोन कर सकते हैं, वरना किसी भी आधार पे कोई एग्जाम पोस्टपोन होने वाला नहीं है। सो प्लीज आप प्रिपरेशन करते रहें, 17 जुलाई को जो समय मिल गया है उसी को गोल्डन समझें और उसी पे प्रिपरेशन करें। दूसरी बात कि फॉर्म भरने में बहुत सी बच्चों की गलतियां हो गई है, एरर हो गया है, तो उसके लिए देखिए नीट 2022 जो है वो अभी आपको क्या करेगी, एनटीए के द्वारा एक डेट निकलेगी, आज जो लास्ट डेट है, 8 दिन के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन विंडोज खुलेगा, जिसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड देखिए क्या नहीं चेंज होगा, सो देखिए मोबाइल क्या नहीं चेंज होगा, पहले मैं उसी बात करूं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके चेंज नहीं होंगे। बाकी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ इरर क्या है, कुछ स्पेलिंग इरर हुआ है, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने में भी इरर हुआ है, किसी तरह के कोई भी त्रुटि है, उन सभी त्रुटियों को सुधार आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके नहीं बदलेंगे। सो गाइज, उम्मीद करते हैं कि छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ों को समझ में आ गई होगा। सो गाइज, जो भी समय मिल रहा है उस समय को सही उपयोग करके आप नीट 2022 के अच्छे क्वालिफाई करिए, अच्छे कंपिटिटर बनिए। उम्मीद करते हैं कि आप प्रिपरेशन में जो समय बन मिला है उसमें 100% लगाएंगे। सो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छी अपडेट कुछ आएगी तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा। सो गाइज, जय हिंद, जय भारत।